बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें कई ऐसे बड़े सुपरस्टार्स देखने को मिले हैं जिन्होंने अपनी अधिकतर फिल्मों में एक्शन सीन से दर्शकों का खूब दिल जीता है, चाहे फिर बात एक फिल्म एक्ट्रेस की हो या एक्टर की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सितारे सिर्फ फिल्मों में ही अपने हुनर का जलवा बिखेरते हैं, बल्कि असल लाइफ में भी ये सितारे कई ऐसे खतरनाक समय से गुजर चुके हैं जो किसी मौत के मुँह से बाहर आने से कम नहीं है। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार मौत के मुंह में जाते जाते बचे हैं। कोई अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान भयंकर चोट का शिकार हुआ है तो कोई प्रकृति की माया में फंसकर मौत के मुंह से बाहर आया है। इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही दिग्गज कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जो अपनी लाइफ में मौत के मुँह से बचकर बाहर आए हैं। तो आइए जानते हैं उन दिग्गज और बहादुर कलाकारों के बारे में। नंबर 6, ऐश्वर्या राय बच्चन। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी लाइफ का बेहद दर्दनाक दौर फेस कर चुकी हैं। दरअसल फिल्म खाकी की शूटिंग के दौरान ये एक कार एक्सीडेंट की शिकार हो गई थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपया थी कि ये झाड़ियों में जाकर गिरी। अगर ये सड़क पर गिरती तो आने जाने वाली गाड़ियों से बुरी तरह से कुचली जाती। नंबर 5, प्रीति जिंटा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की डिंपल गर्ल कही जाने वाली खूबसूरत अदाकारा प्रीति जिंटा भी मौत के मुंह में जाने से बची हैं, और ये बात उस समय की है जब ये एक बार कोलंबो में परफॉर्म कर रही थी और परफॉर्मेंस करने के दौरान ही फ्रंट रो में बम ब्लास्ट हो गया था। यही नहीं बल्कि प्रीति जिंटा को एक बार और भयानक दौर से गुजरना पड़ा था जब ये थाईलैंड में हॉलीडे मनाने गई थी और इसी दौरान इन्हें थाईलैंड में आई सुनामी का सामना करना पड़ा था। नंबर 4, सलमान खान। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान की फिल्म तेरे नाम बॉक्स ऑफिस पर कितनी जबरदस्त साबित हुई थी, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत के मुंह से बचे थे। जी हाँ, फिल्म के एक सीन में सलमान खान को ट्रेन के सामने चलना था और उस दौरान अचानक सामने से ट्रेन आ गई थी और तभी एक शख्स ने सलमान खान को धक्का देकर पटरी से हटाया था। नंबर 3, सैफ अली खान। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेर रहे अभिनेता सैफ अली खान भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं जो मौत के मुंह में जाने से बचे थे। बता दें कि साल 2002 में आई फिल्म क्या कहना है की शूटिंग के दौरान उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था। एक एक्सीडेंट के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इनके हालात तो सही हो गए थे, लेकिन इस बाइक एक्सीडेंट की वजह से सैफ अली खान के शरीर पर 100 टांके लगे थे। नंबर 2, ऋतिक रोशन। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ग्रीक ऑफ गॉड कहे जाने वाले अभिनेता ऋतिक रोशन को भी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रिश की शूटिंग के दौरान करीब 50 फीट ऊंचाई से पैर फिसलने की वजह नीचे गिर पड़े थे और ये ऋतिक रोशन की जिंदगी का बेहद भयानक सीन था, लेकिन नीचे लगी कैनोपीज ने उन्हें संभाल लिया और एक ऐसा ही हादसा फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान भी हुआ था। बता दें कि इस फिल्म के दौरान ऋतिक रोशन भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हुए थे जिसकी वजह से उनके सर में ब्लड क्लॉट हो गया था और उन्हें ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी थी। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के शहंशाह, बादशाह और महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन उस वक्त दर्दनाक घटना के शिकार हुए थे जब ये अपने को स्टार पुनीत इस्सर की फिल्म कूली के लिए एक्शन सीन्स शूट कर रहे थे और इसी वक्त इन्हें काफी गहरी चोट आ गई थी जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि काफी खून बह जाने की वजह से उनके होश में आने की कोई संभावना ही नहीं थी और अमिताभ बच्चन के करोड़ों फैंस ने उनके लिए दुआएं मांगना शुरू कर दिया था और इन सब के बाद 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन होश में आए थे। दोस्तों, आपको मौत के मुंह से निकले इन मेगा स्टार्स के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।